सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की फरलो। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया राम रहीम। यूपी के बागपत आश्रम में रहेगा राम रहीम। दो साध्वियों के साथ रेप और हत्या में सजा मिलने पर 2017 से जेल में बंद है राम रहीम। फरलो मिलने के बाद सातवीं बार बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा राम रहीम। सेवादार रकम सिंह ने कहा 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाएंगे राम रहीम। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में गिरफ्तार सपा नेता नवाब सिंह यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 14 अगस्त को होगी सुनवाई। नवाब सिंह यादव पर आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की का हुआ मेडिकल टेस्ट। घरवालों की मौजूदगी में पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया मेडिकल चेकअप। राजस्थान के नागौर में हैवान बना पति, पत्नी को बाइक के पीछे बांधकर बुरी तरह घसीटा। मानवता को शर्मसार कर देने वाला दर्दनाक वीडियो आया सामने। मारपीट के बाद नशे में धुत होकर बाइक के पीछे रस्सी से बांधकर पत्नी को घसीटा। रास्ते भर रोती चिल्लाती रही पत्नी। तमाशबीन बने रहे कुछ लोग। कुछ दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा। बिजनौर में स्कूल में हिजाब पहनकर जाने को लेकर हंगामा। प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने वाली छात्राओं को घर वापस भेजा। मुंबई में दोस्त की हत्या के आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। कुर्ला इलाके में ऑटो रिक्शा का किराया देने को लेकर हुए विवाद में की थी दोस्त की हत्या। पंजाब के बठिंडा में सरकारी स्कूल में दिखी छात्रों की कमी। कक्षा 1 से 5वीं क्लास में पढ़ने पहुंचे केवल 2 बच्चे। दिल्ली में भलसवा डेयरी में अतिक्रमण पर एक्शन फिलहाल रोका गया। लोगों के विरोध के चलते रोका गया बुलडोजर एक्शन। स्थानीय लोग कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने का विरोध। अतिक्रमण हटाने बुलडोजर लेकर पहुंची एमसीडी टीम के खिलाफ हुआ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेयरी कॉलोनियों को लेकर दिया था आदेश। डेयरी कॉलोनियों से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश। शिंदेगुट के समाधान सरवनकर ने मुनव्वर फारूकी को पाकिस्तान प्रेमी बताकर दी चेतावनी। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी मुनव्वर फारूकी पर जताई नाराजगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर तैयारियां तेज। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे राष्ट्रध्वज। 15 अगस्त को आतिशी के झंडा फहराने वाली अरविंद केजरीवाल की मांग। जीएडी ने की खारिज। कहा सिर्फ सीएम ही फहरा सकते हैं झंडा। शिमला में भरभराकर गिरी निर्माणाधीन टनल। बड़ा हादसा टला। बाहर खड़े कर्मियों ने भागकर बचाई अपनी जान। कालका से शिमला निर्माणाधीन 4 लेन पसंजौली में बन रही थी टेटरी टनल। तेज बारिश में टनल के पोर्टल पर लैंडस्लाइड होने से हादसा। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। खराब मौसम के कारण रोकी गई यात्रा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप पर रुके हुए हैं श्रद्धालु।